जिंदगी अगर इम्तिहान लेती है तो हर बार पास होने की अभिलाषाएं भी इंसान रखता है। प्यार में नाकामी और प्यार में फेल होना, जीवन में ये भी एक इंटरव्यू है। कब और कैसे, किस प्रकार हम अपने प्रेम में विजयी हो सकते हैं, क्यों हम हार गए हैं, क्यों हमारा प्यार हमसे दूर हो गया है, क्या वो कारण है जिस वजह से रिश्ते में हम फेल हो गए, क्या वो कारण है जिस वजह से संबंधों में हमारे नंबर कम हैं, क्या वो रीजन है जिस वजह से रिश्ते हमारे कंटिन्यू प्रॉपर अच्छे नहीं चल पाते, क्या वो रीजन है, क्या वो कारण है जिस वजह से हमारा पारिवारिक लाइफ पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है। इन सब चीजों का कारण वारण निवारण तो आपको पता ही चलेगा, साथ में आपको पता चलेगा सिर्फ 2 मिनट में इसको ठीक करने का साधन। और 2 मिनट में ठीक करने का साधन में आज आपको हम कह रहे हैं, ध्यान से समझना, आज आपको 7 गेहूं के दानों से ये सब कुछ संभव हो सकता है। नमस्कार, मैं हूं आचार्य सतीश अवस्थी और आपका बहुत स्वागत करता हूं। कैसे आप अपने रिश्तों में पास हो सकते हैं? हाँ, आज मैं कह रहा हूं कि रिश्तों में हम कैसे पास हो जाएं, रिलेशंस में हमारे नंबर कैसे ज्यादा है, ये भी एक लाइफ का इंटरव्यू है और इस इंटरव्यू में हमारा बहुत अच्छा मार्क्स हो। ऐसा क्या करें हम, ऐसा क्या करें कि इस कक्षा में हम उत्तीर्ण हो जाएं, ऐसा क्या करें कि जीवन के इस पड़ाव पर पहुंचने के बाद हमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना आए। देखो, शादी के बाद का जीवन हो तो प्रेम चाहिए ही, शादी के पहले का जीवन हो जिससे विवाह करना चाहते हैं, प्रेम चाहिए ही। जीवन का एक ऐसा भाग है जहां पर बिना प्रेम के सब अधूरा लगता है। डिप्रेशन, बाइपोलर डिसऑर्डर, माइंड की जितनी भी बीमारियां हैं, बुद्धि के जितने भी आकार विकार प्रकार हैं, वो सब प्रेम के अभाव में जन्म लेते हैं। एक ग्रह है शुक्र और दूसरा ग्रह है बृहस्पति, दोनों की अपनी परस्पर उपलब्धता है, दोनों अपने आप में गुरु हैं। एक देवताओं का गुरु है और एक राक्षसों का गुरु है, दोनों की अपनी अपनी ताकतें हैं। एक वैभव संपदा को बात करता है, दूसरा आध्यात्मिक ओतपोत से आपको मजबूत करता है। दोनों की परस्परता समन्वय बनाकर चले आपकी कुंडली में, तो आपके जीवन में प्यार के रिलेशंस में आपका इंटरव्यू परफेक्ट होता है। प्यार, रिश्ते, संबंध बेहतर चलते हैं। इनका समन्वय ठीक नहीं हो तो रिश्ते बिगड़ जाते हैं। कोई रूठ जाएगा, कोई छोड़कर जाएगा, कोई बात नहीं करेगा, कोई झगड़ा करेगा, कोई लड़ाई करेगा, कोई इग्नोर करेगा, कोई आपको महत्व नहीं देगा, कोई आपको वैल्यू नहीं देगा, कोई दूसरे के चक्कर में पड़ जाएगा। अन्य अन्य जितनी भी बातें हैं वो कहीं ना कहीं शुक्र और बृहस्पति के, चूंकि सौर्य शौर्य मथे इंद उच्च पद भीम सन मंगलम मंगला सदबुद्धिम च बुधो गुरुश्च गरुताम शुक्रम सुखम समशनि राहु रबाहु बलम करोतु सततम केतु कुलस्योन्नतिम नित्यम प्रीतिकरा, नित्यम क्या, नित्यम प्रीतिकरा भवन्तु ममते सर्वेनुकूला गृहा। ये ग्रह ही है जो आपको अच्छी और बुरी चीजें प्रदान करते हैं, आज उनको ही दरकिनार करके आपके यशगान करने की व्यवस्थाओं को मूल्यवान बना रहा हूं। आज मैं कह रहा हूं कि आज का उपाय 7 अनाज के दाने, और वो भी कौन सा, 7 गेहूं के दाने लेकर के बात कर रहा हूं मैं आज। केवल 7 गेहूं के दाने आपके अपने मैरिज लाइफ में आपकी यश की वृद्धि करेंगे, केवल 7 गेहूं के दाने आपके लव लाइफ के इंटरव्यू में आपको पास कराएंगे, केवल 7 गेहूं के दाने आपके अपने रिलेशनशिप में, रिश्तों में, संबंधों में मधुरता के नंबर बढ़ा देंगे। 7 गेहूं के दाने
आपके अपने जीवन में श्रेष्ठता को ही नहीं, मधुरता को ही नहीं, रिश्तों को सुधारने का ही काम नहीं, केवल और केवल रिश्तों को बेहतर करने का ही नहीं, केवल दूर गए व्यक्ति को पास लाने का ही काम नहीं, केवल और केवल शादी बचाने का ही नहीं, केवल और केवल परिवार को बहुत बेहतर कर देने का ही नहीं, केवल घर में सुख समृद्धि भर देने का ही नहीं, अनेकों कई एक काम है, चाहे वो सरकारी नौकरी हो, चाहे करियर हो, चाहे जहां पर आपकी अपनी श्रेष्ठता की बात है, जहां पर यशगान करने की बात है, वहां पर गेहूं के सात दाने सबसे ज्यादा काम आते हैं। हाँ, आपको करना ये है कि किसी भी एक तांबे के बर्तन में थोड़ा सा कपूर जला लीजिए। कपूर जलाने के बाद सात गेहूं के दाने लेने हैं। इस सात गेहूं के दानों में सब में आप रोली से टीका लगा लीजिए और दूरबा से सबको एक एक बार टच करके दूरबा अलग रख दीजिए। अब करना यह है कि हर बार आपको अपनी पहली उंगली अलग करके मिडिल फिंगर और रिंग फिंगर और अंगूठे की मदद से एक एक दाना आपको उठाना है और उस कपूर रूपी आग में जो तांबे के बर्तन में आपने जला रखी है उसके अंदर ओम घृणी सूर्यायै नमः स्वाहा ऐसे कर देना है। ओम घृणी सूर्यायै नमः स्वाहा ऐसा करके डालते रहिएगा। अगर कोई भी गेहूं चटक कर बाहर आता है तो आप समझिएगा कि अभी प्रॉब्लम और समस्या थोड़ी ज्यादा बड़ी है। अगर सारे के सारे आराम से जल जाते हैं तो इस राख को, इस खाक को उठा करके आप कहीं बाहर जमीन में, गमले में या किसी भी जगह डाला जा सकता है। ऐसा करने मात्र से ही तुरंत एक शक्ति का प्रादुर्भाव होता है, एक शक्ति, एक एनर्जी का आवाहन होता है और वो आपके काम के लिए त्वरित काम करने लगती है। ये काम सूर्यवार के दिन यानी रविवार के दिन यानी संडे के दिन बहुत कारगर होता है। सूर्य के रहते रहते सूर्योदय से सूर्यास्त के मध्य में कभी भी किया जा सकता है। पूरे मन से, पूरी श्रद्धा से, पूरे विश्वास के साथ करना। गुरु आदेश की आवश्यकता होगी, बहुत निरंतरता, बड़ी श्रद्धा, विश्वास और कनेक्शन रखने की आवश्यकता होगी। बड़े मन से कीजिएगा, मेरा आशीर्वाद आपके साथ में है। मैं चाहता हूँ कि आप खूब मुस्कुराइए, सुंदर बनिए, हर आधे घंटे में प्रणाम करके पानी पीजिए। प्रीवियस लाइफ कभी मत बताना। रोना, बिलखना, परेशान होना, निगेटिव सोचना, उल्टा सीधा चिंतन करना, ये सब बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। ऐसा करने से क्या होता है, ऐसा करने से आपके काम नहीं होने की संभावनाएं 100% बढ़ जाती हैं। आप ऐसा नहीं करेंगे तो मैं आदेश देता हूँ कि ऐसा मत करना। खुश रहो ना, खुश रह के चीज़ें बहुत बढ़िया हो सकती हैं। निगेटिव रहने से, दुखी रहने से चीज़ें खराब हो रही हैं। तुम अपना ही तो नुकसान कर रहे हो ऐसा करके। ऐसा मत करो। कोई आपके लिए पूजा कर रहा है, कोई आपके लिए अनुष्ठान कर रहा है, कोई आपके लिए प्रयत्नशील है। जीवन तुम्हारा है, खुशियां तुम्हारी हैं, सब कुछ तुम्हारा है, प्रयत्न कोई कर रहा है, उसकी मदद करो ना, सब ठीक हो जाएगा। बहुत आशीर्वाद, बहुत खुश रहो, बहुत प्रसन्न रहो, बहुत बेहतर हो तुम, हर जीवन की ऊंचाई तक तुम पहुंचो, ये आशीर्वाद है। ओम नमः शिवाय। परम पूज्य आचार्य सतीश सद्गुरुनाथ जी महाराज के मुखार बिंदु से कल्याण स्वरूप शुभ मंगल प्रदाता भगवान शिव को आह्वानित व आराधित कर पवित्र श्रावण मास में श्रावणी शिव महापुराण कथा का आयोजन दिनांक 21 से 27 अगस्त, समय दोपहर 1 बजे से सायं 4 बजे तक, कथा स्थल सत्संग भवन मंदिर श्री गोविंद देव जी प्रांगण जयपुर से भव्य कलश यात्रा, ब्रज निधि मंदिर सिटी पैलेस के पास दिनांक 21 अगस्त 2023 सोमवार को प्रातः 9 बजे प्रस्थान करेगी। इस कथा में यजमान बनने एवं कलश यात्रा के लिए संपर्क करें 8917020202 6391 292929। आयोजक श्री सद्गुरुनाथ धाम परिवार जयपुर।